गुना एकल अंचल की मासिक बैठक एकल अंचल कार्यालय सोनी कॉलोनी पर संपन्न हुई। एकल वन यात्रा प्रभारी विकास जैन नखराली ने बताया कि 5 जून को पर्यावरण दिवस पर एकल कार्यकर्ता गुना अंचल के प्रत्येक विद्यालय ग्राम पर स्वनिर्मित फलदार एवं छायादार पौधा रोपण कर पर्यावरण बचाने में सहयोग करने, साथ ही लगाए गए सभी पौधों की देखरेख कर पानी और खाद देकर उनको जीवित रखेंगे। इसी के साथ ही बैठक में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गुना अंचल के सभी एकल विद्यालय ग्रामों पर एकल कार्यकर्ताओं द्वारा योग कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को योग करने प्रेरित करेंगे। बरसात के पानी को रोकने, सोखता गड्ढा एवं सामूहिक रूप से नदी तालाबों का गहरीकरण में सहयोग कर पानी के महत्व बताकर ग्रामीणों को जागरूक करेंगे। जैसा कि एकल विद्यालय अंचल गुना की आज एकल मासिक बैठक का आयोजन एकल कार्यालय सोनी कॉलोनी में संपन्न हुई। हमारी ये बैठक एकल के अध्यक्ष मदन सोनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें हमारे एकल के सभी संचयों के सभी प्रमुख लोग यहाँ उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाली 5 जून को पर्यावरण दिवस पर सभी एकल विद्यालय ग्रामों पर पौधारोपण एवं लोगों को जागरूक कर पर्यावरण बढ़ाने के लिए सभी ग्रामीणों को प्रेरित करेंगे। साथ ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी विद्यालय ग्रामों पर हमारे एकल के आचार्यगण विद्यालय पर योग शिविर लगाएंगे और लोगों को योग के महत्व को बताकर योग के बारे में जानकारी देंगे। मैं सभी एकल के कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करता हूं कि आप सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से एकल के कार्यों को बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।